हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ सिस्टम बसेस एंड इट्स टाइप्स सिस्टम बसेस क्या होती हैं और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं इससे पहले हम सिस्टम बस के बारे में बात कर चुके हैं कि सिस्टम बस होती क्या है हमने देखा सिस्टम बस इज़ यूज़ टू कनेक्ट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सच एज़ सी पी यू एंड मेन मेमरी सिस्टम बस हमारे कंप्यूटर के मेजर कंपोनेंट्स लाइक आपका सी पी यू है और रैम है जब आपने इन दोनों कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करना होता है तो उसके लिए आप सिस्टम बसेज़ का इस्तेमाल करते हैं सिस्टम बसेज़ आर द पार्ट ऑफ मदरबोर्ड सिस्टम बसेज़ हमारे मदरबोर्ड के ऊपर मौजूद होती हैं इसके बाद हमने देखा कि सिस्टम बसेज़ की हमारे पास तीन टाइप्स हैं जिसमें डाटा बस है एड्रेस बस है कंट्रोल बस है आज हम इन तीनों के बारे में वन बाई वन के डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर आप तक बर वक्त पहुँच सकें तो स्टार्ट करते हैं कि डेटा बस क्या है डेटा बस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बस ये एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली बस है इट इज़ यूज ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट कम्पोनेट्स ऑफ द कंप्यूटर ये एक कंप्यूटर के मुख्त्य कम्पोनेंट्स में इस दरमियान डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होती है लाइक आपके पास सी पी यू है और रैम है आप सी से कोई डाटा रैम में या रैम से कोई डाटा सी में सेंड करना चाहते हैं तो वो बेसिकली आपका डाटा बस के थ्रू ट्रांसमिट होगा ये डाटा बस क्या करेगी ये डाटा बस आपके डाटी को सी से रैम की तरफ या रैम से सी की तरफ कैरी कर सकती है द नंबर ऑफ लाइन्स इन डेटा बस अफेक्ट द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट कम्पोनेट्स अब ये डाटा कितना अमाउंट ऑफ डाटा आपका सी से रैम की तरफ एक वक्त में जाएगा ये डिपेंड करता है कि इस बस के अंदर कितनी लाइन्स मौजूद हैं लाइक like, इस डायग्राम के अंदर आपके पास तीन लाइन्स यहाँ पर मौजूद हैं इट मीन्स आप तीन बिट्स को एक वक्त में सी पी यू से रैम की तरफ ट्रांसमिट कर सकते हैं या रैम से सी पी यू की तरफ ट्रांसमिट कर सकते हैं आ सिक्सटी फोर बिट लाइन डेटा बस कैन ट्रांसफ़र सिक्सटी फोर बिट्स ऑफ डेटा एट वन टाइम अगर इस डेटा बस के अंदर सिक्सटी फोर लाइन्स होंगी तो इट मीन्स कि ये सिक्सटी फोर बिट्स को एक वक्त में एक कम्पोनेट से दूसरे कम्पोनेंट तक मूव करवा सकती हैं अब ये जो डेटा बस है ये आपके पास बाई डायरेक्शनल होती है इट मीन्स सी पी यू कैन रीड डाटा फ्रॉम रैम हम रैम में से डेटे को सी की तरफ लेके भी जा सकते हैं एंड सी पी यू कैन आल्सो राइट डाटा ऑन रैम हम सी पी यू से डाटे को रैम के अंदर राइट भी कर सकते हैं यानी कि डाटा आपका दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये बाई डायरेक्शनल डाटा बस है नेक्स्ट बात करते हैं एड्रेस बस के बारे में मैनी कम्पोनेंट्स आर कोनेक्टेड वन अदर थ्रो बसेज कंप्यूटर के बहुत सारे कम्पोनेट्स बसेज के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं ईच कम्पोनेंट इज असाइन ए यूनिक आई डी हर कम्पोनेंट की एक यूनिक आई डी होती है दिस आई डी इज़ कॉल्ड द एड्रेस ऑफ डैट कम्पोनेंट ये आई डी बेसिकली उस कंपोनेंट का एड्रेस कहलाती है लाइक आपके पास सी पी यू है और रैम से अब अगर सी पी यू ने रैम में से कोई डाटा रीड करना है तो सी पी यू उस डाटे का एड्रेस बताना पड़ता है सी पी यू को तो बेसिकली एड्रेस बस क्या करती है एड्रेस बस सी पी यू से उस डाटे का एड्रेस लेके जाती है जो डाटा सी पी यू रीड करना चाह रहा है या अगर सी पी यू ने कोई डाटा रैम में राइड करना है तो वो किस जगह पर राइड करना है इस चीज़ का एड्रेस भी सी पी यू से रैम की तरफ एड्रेस बस लेके जाती है इट इज़ यूनिक डायरेक्शनल इट कैन कैरी इन्फॉर्मेशन ओनली इन वन डायरेक्शनल ये हमारे पास सिर्फ़ एक डायरेक्शन में डाटे को मूव करवाती है यानी कि एड्रेस को मूव करवाती है इसकी डायरेक्शन हमेशा सी से रैम की तरफ होती है रैम से कभी भी कोई एड्रेस सी की तरफ मूव नहीं करता इट कैरीज एड्रेस ऑफ मैमरी लोकेशन फ्राम माइक्रो प्रोसेसर टू द मेन मेमरी ये प्रोसेसर से एड्रेस को मेन मेमोरी की तरफ यानी कि रैम की तरफ लेकर जाती है लास्ट टाइप हमारे पास है कंट्रोल बस कंट्रोल बस इज़ यूज टू ट्रांसमिट डिफरेंट कमांड्स और कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट कंट्रोल बस कमांड्स को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक लेके जाने के लिए इस्तेमाल होती है एक डायग्राम में एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं इसे लाइक सी पी यू रैम में से कोई डाटा रीड करना चाहता है अब इस प्रोसेस के लिए हमें तीनों बसेस जो कि डाटा बस है एड्रेस बस है और कंट्रोल बस है इन तीनों की हेल्प की ज़रूरत होगी सबसे पहले सी एक कमांड जो कि रीड की कमांड होगी कंट्रोल बस के ऊपर प्लेस करेगा कंट्रोल बस इस कमांड को लेके जाएगी रैम के पास फिर सी उस जगह का एड्रेस बताएगा जहाँ से उसने उस डाटे उस को रीड करना है एड्रेस बस उस एड्रेस को लेके जाएगी रैम के पास फिर उस एड्रेस पर जो भी डाटा पड़ा होगा रैम उस डेटे को लोड कर देगी आपकी डाटा बस के ऊपर डेटा बस उस डेटे को यहाँ से कैरी करते हुए सी पी यू तक पहुँचा देगी तो इस तरह ये सारा सारा जो प्रोसेस है वो काम करेगा इट स्पेसिफाइज द टाइम फॉर विच एडवाइस कैन यूज़ डेटा एंड एड्रेस बस कंट्रोल बस हमें दो चीज़ें बताती हैं पहली चीज कि टाइम कि कितने टाइम के लिए जो सी पी यू है या ये जो प्रोसेस है ये ये इन बसेस को इस्तेमाल करेगा एक सेकेंड के लिए दो सेकेंड के लिए या कितने टाइम के लिए ये बसेस इस प्रोसेस के ऊपर काम करेंगी और इट्सपेसिफाइज टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म और कंट्रोल बस ये भी बताती है कि किस किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है जैसे यहाँ पर सीपीयू ने बताया कि उसने रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सिस्टम बसेस क्या होती हैं और उनकी टाइप्स के बारे में आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थैंक यू वेरी मच